22 जनवरी 2024 को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के महोत्सव के लिए पूरी अयोध्या राममय हो गई है। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय हो गया है। भारत भर से लोग अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर को विशेष उपहारों से नवाज रहे हैं, जो प्रेम और करुणा का असाधारण प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। इन पेशकशों में एक विश्व घड़ी और चमकदार सोने के धनुष और तीर से लेकर जटिल आभूषण, मानार्थ श्री राम टैटू के अलावा कई अन्य उपहार शामिल हैं। विविध उपहार व्यक्तियों द्वारा अपने प्यार, विश्वास और श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए असंख्य तरीकों को रेखान्वित करते हैं। रामलला के लिए देश के कोने कोने से जुट रहा है साजो सामान, ननिहाल और ससुराल से भेजे जा रहे हैं सुंदर और अनोखे उपहार। पहले भोग के लिए जल्द ही अयोध्या पहुंचेगा सामान, मेवा से भरे 1100 थाल और 3000 क्विंटल चावल। 22 जनवरी 2024 को रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अलावा भव्य भोग भी होगा और देश विदेश के कोने कोने से रामलला को भेंट करने के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। रामलला के विराजमान होने की इस अद्भुत घड़ी में रामलला के ननिहाल और उनके ससुराल जनकपुर से भी हजारों अनोखे तोहफे भेजे जा रहे हैं। भगवान राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, वहां से 3000 क्विंटल चावल आ रहे हैं और वहीं रामलला की ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, मेवा, फल के साथ साथ भारों से सज्जित 1100 थाल भी आ रहे हैं और देश के अलग अलग राज्यों से रामलला को भेंट करने के लिए असंख्य तोहफे आ रही हैं। अब समझते हैं कि कहां से क्या क्या आ रहा है। ननिहाल से हजारों क्विंटल चावल। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसके बाद भगवान राम को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल के चावल मुख्य है। भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है और वहीं से चावलों की सबसे बड़ी खेप आएगी। करीब 3000 क्विंटल चावल वहां से आना है। इसे छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से एकत्र किया गया है। ससुराल से मेवा और 1100 थाल आएंगे। भगवान को भोग लगाने के लिए ससुराल से मेवा भेजी गई है। नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंच गए हैं। इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थाल भी भगवान राम को भेंट स्वरूप भेजे गए हैं। नेपाल के जनकपुर से जहां भगवान राम के लिए सामान भेजा जा रहा है, वहीं नेपाल भी इस शुभ काम में अपना योगदान देने से अछूता नहीं रहना चाहता। नेपाल से आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन भी उपहार स्वरूप आएंगे। एटा से अष्ट धातु का घंटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से रामलला के दरबार में अष्ट धातु का 21 किलो का घंटा पहुंचेगा। दावा किया जा रहा है कि ये देश का सबसे बड़ा घंटा होगा, जिसकी लागत करीब 25 लाख रुपए बताई गई है, जिसे बनाने में 400 कर्मचारियों ने योगदान दिया है और इस घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसका वजन 2100 किलो है और इसे बनाने में करीब 1 साल का समय लगा है। गुजरात के बड़ोदरा से सबसे बड़ी अगरबत्ती प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए गुजरात के बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी अयोध्या भेंट स्वरूप भेजी जा रही है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इसका वजन 3500 किलो है और इसे तैयार करने में करीबन 6 महीने का समय लगा है और इस अगरबत्ती बड़ोदरा से अयोध्या के लिए 110 फीट लंबे रथ में भेजा जाएगा। अगरबत्ती बनाने वाले बीहा भरवाड़ ने बताया कि एक बार इसे जलाने पर ये 1.5 महीने तक लगातार जल सकती है। हैदराबाद से चरण पादुकाओं की भेंट। भगवान राम के लिए हैदराबाद में
चरण पादुका बनाकर तैयार की गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम के चरण पादुकाएं भी वहां पर रखी जाएंगी, जो फिलहाल देश भर में अलग अलग तीर्थ स्थलों में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगी। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इन श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ अयोध्या की 41 दिनों की परिक्रमा भी की है। इसके बाद इन पादुकाओं को रामेश्वरम से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया जा रहा है और विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सूरत से राम मंदिर की थीम पर हीरों का हार। सूरत में भगवान राम मंदिर की थीम पर हीरों का हार बनाया गया है। इस पूरे डिजाइन में 5000 अमरीकी हीरों का इस्तेमाल किया गया है। ये 2 किलो चांदी से बना है। 40 कारीगरों ने 35 दिनों में इसे बनाकर तैयार किया है। हीरा व्यापारी का कहना है कि ये किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए तैयार नहीं किया गया है, हम इसे राम मंदिर को उपहार में देना चाहते हैं। विदेशों से भी राम मंदिर के नाम पर खूब चंदा आ रहा है। दुनिया के कोने कोने में बसे राम भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार राम मंदिर के लिए चंदा भेज रहे हैं। ये राम मंदिर का कार्यक्रम कितना भव्य होने वाला है। देश विदेश से लोग इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए लालायित हैं और हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार रामलला के लिए कुछ ना कुछ उपहार देना चाह रहा है। इस प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ना कुछ अपना योगदान देना चाह रहा है। वैसे ये जो रामलला के ननिहाल और उनके ससुराल से और अन्य जगहों से जो हजारों लाखों के उपहार आ रहे हैं, उनके विषय में आपका क्या कहना है, कमेंट कर अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। कमेंट डाउन जय श्री राम। Thank you for watching.